हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का डोसा बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे हम बहुत जल्दी और 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चावल और दाल को भिगोकर नहीं रखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए इंग्रीडियंट देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने चावल का आटा लिया है, तो ये हमने लिया है 1 कप चावल का आटा, और 1 कप हमने सूजी ली है, बारीक वाली सूजी ली है हमने ये। 1 कप दही लिया है, 2 स्पून मैदा लिया है, और 1/2 स्पून सॉल्ट लिया है, और 1/4 स्पून लिया है बेकिंग सोडा। तो अभी हम इसके लिए बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए मैंने एक बड़े बाउल में सूजी ली है, चावल का आटा लिया है 1 कप, और 2 स्पून लिया है मैदा, 1 कप दही डाल लेंगे। और सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बनाएंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो बैटर को बनाने में हमारा लगभग 1.5 कप पानी लग गया है इसमें। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक स्पून की मदद से हम बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से रखनी है। अभी हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा और सॉल्ट डालेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ये 1/2 स्पून नमक डाला है, और 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बेकिंग सोडा को डालने के बाद हम तुरंत डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर डोसा बनाने के लिए तवा लिया है। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके से और एक कपड़े से साफ़ कर देंगे। उसके बाद हम इस पर डोसा बनाएंगे, जिससे हमारा जो डोसा है वो चिपकता नहीं है। तो अब हम बैटर डालेंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से एक बड़े स्पून की मदद से इस पर बैटर डाल करके इस तरीके से हमें घुमाना है इसे गोल गोल। तो इस तरीके से इसे एकदम पतला कर देना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जिससे कि ये फट जाए या टूट जाए। अब इसे हम एकदम लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। और जब इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, तब हम इसको निकाल देंगे तवे पर से। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। इस तरीके से स्पून की मदद से मैंने इस पर ऑयल लगा दिया है, और इसको ब्राउन होने देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, वरना हमारा जो डोसा है वो जल्दी जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है। अभी हम इसे पकने देंगे थोड़ा सा और। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा डोसा है वो एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसको तवे पर से निकाल देंगे। तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हमें इसे साइड से निकालना है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट डोसा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे तवे पर से प्लेट में ले लेंगे। तो जो हमारा डोसा है वो बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दोबारा पानी डाल करके तवे को कपड़े से साफ़ करेंगे, और फिर से दूसरा डोसा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे साफ़ कर लिया है। अब फिर से एक स्पून की मदद से हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे, और उसे गोल गोल घुमाएंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले वाला डोसा बनाया था, उसी तरीके से इसे भी पूरा बना लेंगे हम, और बाकी के डोसे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डोसे हैं वो बनकर तैयार हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने क्रंची और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप बिना टाइम वेस्ट के 15 मिनट में इन्हें बना सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन करे, तुरंत इन्हें बनाकर आप खा सकते हैं। और इनके लिए हमें चावल और दाल को भी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, सूजी से ही ये तुरंत बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट कर ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।